पक्ष ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन सवालों में विपक्ष ने बीजेपी की तरफ भी निशाना साधा है। क्या है ये सवाल, इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, बताएंगे हर बड़ी बात। मगर उससे पहले आपको हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों से रूबरू करा देते हैं। ये विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। अब एक एक करके इन सभी राज्यों के नतीजे देख लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी ने इन चुनावों में हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी की इस जीत के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईवीएम को लेकर कई पोस्ट किए। उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए पड़े वोटों के कथित आंकड़े भी पेश किए। इसके साथ ही दिग्विजय ने कहा, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने साल 2003 से ईवीएम के जरिए वोटिंग का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित किए जाने की अनुमति दे सकते हैं? दिग्विजय ने कहा कि ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या वो भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। सर, तो ईवीएम को लेकर क्या संशय? देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तेलंगाना में अलग जनादेश है, तीन राज्यों में अलग है, बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो या और कुछ हो। लेकिन मैं हमेशा हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हमें कहते कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए, एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर इस तरह सवाल उठाए हैं। सर, ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कोई भी मशीन जो चिप से चलती है और उसे हैक किया जा सकता है, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त ही हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती? उन्हें कहा हो सकती। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए, कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। चलिए, अब आखिर में आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया भी दिखा देते हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए कई सवाल उठा दिए। भाई, ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा, हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए, जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम को लेकर हो रही ये सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है।